हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जर्नी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हम नेस्टेड लिस्ट का एक एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट से बनता है। आज से पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सिखाया है कि हम कैसे ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं और कैसे अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो आपको वो वीडियो पहले देखना हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज हमें एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसी एक नेस्टेड लिस्ट को हमें क्रिएट करना है। तो हमें पता ही है कि 1, 2, 3 ऐसे नंबर लेने के लिए हमें कौन सी लिस्ट का यूज़ करना चाहिए। ऑर्डर में हमें क्या लेना है, हमें ओएल टैग में एक 2 है। ओएल टैग में क्या है, 2 है, आप देख सकते हो ओएल टैग में 2 से स्टार्ट होता है। तो हमें पता है कि स्टार्ट करवाने के लिए एक एट्रीब्यूट है स्टार्ट करके, उनका हमें यूज़ करना पड़ेगा। ओएल के एक टाइप ले लेंगे, टाइप इज इक्वल टू 1, कि वो 1 से स्टार्ट हो। 1, 2, 3 ऐसे नंबर आए और स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट यहाँ से होगा 2 से। तो आप देख सकते हो ओएल बना लिया। तो अब ओएल के अंदर हम लिखेंगे एक एलआई। एलआई में हम क्या लिखेंगे कि चैप्टर, क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 2। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 से स्टार्ट हुआ और चैप्टर 2 भी हमारा आ गया। तो चैप्टर 2 के अंदर हमें कुछ चाहिए, चैप्टर 2 के अंदर हमें क्या चाहिए, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 हमें चैप्टर 2 के अंदर चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि ए वाला जो एलआई है उसे हमें यहाँ पे क्लोज नहीं करना है। यहाँ से हम एंटर ले लेंगे और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, टॉपिक 1 और टॉपिक 2 चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट ही लेना पड़ेगा। ओएल टाइप लिखेंगे हम, टाइप इज इक्वल टू लिखेंगे हम ए, टाइप लिख लिया हमने। और हमें स्टार्ट कहाँ से करवाना है, स्टार्ट, स्टार्ट एट्रीब्यूट के बारे में भी पिछले वीडियो में मैंने सिखाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सी से स्टार्ट होता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए बी सी। तो हमें स्टार्ट एट्रीब्यूट के साथ लिखना पड़ेगा स्टार्ट स्टार्ट इज इक्वल टू हमें 3 लिखना पड़ेगा, लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर हमें टॉपिक 1 लिखना है। तो टॉपिक 1 लिखने के लिए हमें एल आई टैग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे टॉपिक 1, ओके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सी भी आ गया और टॉपिक 1 भी आ गया। टॉपिक 1 के अंदर भी हमें लिखना है, टॉपिक 1 के अंदर हमें क्या चाहिए, सब टॉपिक 1 और सब टॉपिक 2 हमें टॉपिक 1 के अंदर चाहिए। तो यहाँ से हम ए वाला एल आई है यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे एंटर। एंटर लेने के बाद हमें क्या चाहिए, सब टॉपिक 1 और सब टॉपिक 2। तो यहाँ पे रोमन अंक है इसलिए हम लेंगे ओएल टैग। ओएल टाइप इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आई, यहाँ इससे रोमन अंक आते हैं हमारे, तो इसलिए टाइप करके हम आई लिखेंगे। और इसके अंदर क्या चाहिए हमें, एल आई में लिखेंगे हम सब टॉपिक, सब टॉपिक 1। दूसरा एल आई लेंगे, इसमें लिखेंगे हम सब टॉपिक 2। आप देख सकते हैं ये चैप्टर 2, इसके अंदर टॉपिक 1, उसके अंदर सब टॉपिक 1 और सब टॉपिक 2, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि अब हमें चाहिए टॉपिक सब टॉपिक नंबर, यहाँ पे हम देखते हैं क्या चाहिए हमें। अब हमें चाहिए टॉपिक 2, टॉपिक 1 तो हमने लिख लिया और हमें चाहिए टॉपिक 2। टॉपिक 2 लिखने के लिए हमें ये रोमन अंक वाला ऑर्डर लिस्ट का ओएल टैग, टॉपिक 1 का इतना। अब यहाँ से हम एंटर ले लेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे एल आई।
एलआई में हम क्या लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी था तो यहाँ पे डी आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक टू, टॉपिक टू हमने लिख लिया। अब हमें टॉपिक टू के अंदर भी कुछ चाहिए, टॉपिक टू के अंदर हमें चाहिए सब टॉपिक वन और सब टॉपिक टू चाहिए, तो उसके लिए। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक डिस्क साइन है, इसके लिए भी हमें एक टैग यूज़ करना पड़ेगा, और वो है, वो ऑर्डर लिस्ट से नहीं परंतु अनऑर्डर लिस्ट से बनता है, ये अनऑर्डर लिस्ट से बनता है, इसलिए हम यहाँ पे इसके अंदर ये वाला एला यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, इसके अंदर चाहिए, तो यहाँ से हम एंटर ले लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, यूएल टाइप, यूएल से अनऑर्डर लिस्ट होता है, यूएल यहाँ पे हम यूएल टैग लेने देते हैं, यूएल के अंदर हम लिखेंगे एल आई, एल आई यहाँ पे लिखेंगे हम सब टॉपिक वन, टॉपिक टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी भी देखो यहाँ पे स्क्वायर आए हैं और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे डिस्क पॉइंट है, तो डिस्क पॉइंट लाने के लिए भी हमारे पास यूएल टैग का एट्रीब्यूट है, जो भी है, जो हमने पिछले वीडियो में सिखाया है, तो यूएल टैग टैग के साथ हम एक टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे EISC डिस्क, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट आ गए, डिस्क पॉइंट आ गए। अभी ये सही है, देखो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब